हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। ये देखिए, बहुत ही मस्त लगता है ब्रेड पिज़्ज़ा। बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद होता है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है। इसमें जो मैंने चीज़ यूज़ की है वो मैंने होममेड चीज़ यूज़ की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बनाना और बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड। तो 3 स्लाइस मैं ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको बनानी है। तो यहाँ पे मैं आटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। प्याज लिया है और कैप्सिकम। तो इसकी पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने के लिए आप अपने हिसाब से वेजिटेबल ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है चीज़। तो ये होममेड चीज़ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं लगानी है पिज़्ज़ा सॉस की। और ये ब्रेड पिज़्ज़ा मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। बच्चों को अगर पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आप ये ब्रेड पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तीनों में अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने वेजिटेबल लिए थे, कैप्सिकम। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। ये देखिए, पूरे तीनों स्लाइसेस में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ओरिगैनो। चिली फ्लेक्स भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट ये चीज़ है, इसको हम डालेंगे। तो ये होममेड चीज़ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने इस पर चीज़ डाल दी है, तो हम बाकी तीनों दोनों पे भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, तीनों स्लाइस में मैंने चीज़ अच्छे से डाल दिया है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा खाना पसंद है तो आप और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो माइक्रोवेव में मैं कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए रखूँगी। आप 10 मिनट तक भी रख सकते हैं, 10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, माइक्रोवेव से मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा को निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। ये देखिए, तो चीज़ मैंने कम डाली है। अगर आप चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और वेजिटेबल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये ब्रेड पिज़्ज़ा हमने माइक्रोवेव में बनाया है, आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो अगर ये ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।